आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं राजधानी समाचार न्यूज। आइए बढ़ते हैं अब आज की खास खबरों की ओर। यूथ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। यूथ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार पर कोरोना वायरस के आंकड़े छुपाने को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए स्थानीय छत्ती चौक बस स्टैंड पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की गिरफ्तारी की बात को लेकर यूथ कांग्रेस में जबरदस्त नारेबाजी का आक्रोश दिखा। नारेबाजी व प्रदर्शन करते हुए उन्होंने शिवराज सरकार पर और भी अनेक आरोप लगाते हुए कहा कि यूथ कांग्रेस का यहाँ प्रदर्शन का एक पहलू और निकलकर सामने आएगा, जिसमें बाबा रामदेव की वैक्सीन के बाद डॉक्टर्स की मौत पर दिए गए बयान का भी यूथ कांग्रेसियों ने विरोध किया और सरकार से बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ऐसे में पुलिस कर्मियों व दमकल कर्मियों ने पुतला छीना और आग बुझाई। साथ ही जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विनय भाभो ने आरोप लगाते हुए कहा कि आगे भी यहाँ आंदोलन उग्र आंदोलन हो सकता है। झाबुआ से जिला ब्यूरो चीफ दीपेश प्रजापति की रिपोर्ट। यूथ कांग्रेस जवाब मांग रही है कि मौतों का हिसाब दो। आज मौतों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं शिवराज सरकार द्वारा कि हाथ पेपर में हाथ फिर पड़ा गया, जहाँ पर 1-1.5 लाख के ऊपर संख्या है वहाँ पे शिवराज सरकार छुपा के उसे 90,000 ऐसे बता रही है। तो हम ये चाहते हैं कि खुल के आंकड़े बताए जाए, और जब हमारे पूर्व सीएम कमलनाथ जी उन आंकड़ों के बारे में पूछ रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, तो शिवराज सिंह चौहान डर के मारे उन पर FIR दर्ज कर रहे हैं। इंडियन वेरियर करके जो शब्द बोले गए हैं वो WHO और स्वास्थ्य मंत्री जो केंद्र के, उनसे जवाब मांगे भाई, उन्होंने भी बोला था ये शब्द। तो और आज देश में जो डॉक्टरों को अपमानित किया जा रहा है बाबा रामदेव द्वारा, उन पर राष्ट्रों का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो डॉक्टर उन्होंने 2-2 टीके लगा दिए गए थे वो उनकी मौत हो चुकी है। तो हमारा ये कहना है कि जब वो खुलेआम वो बाबा आज अपने खुद के बिजनेस को बढ़ाने के लिए डॉक्टर लोगों की जो मेहनत थी, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी हम अपने देश के लिए सेवा करते करते, उनको अपमानित किया जा रहा था, उन पर राष्ट्रध्वज दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन मोदी जी वहाँ पर चुप है और शिवराज सिंह चौहान भी वहाँ चुप है। जब यूथ कांग्रेस सड़कों पे आती है और जनता के मुद्दों को उठाती है तो शिवराज सिंह डर के मारे हमेशा लोकतंत्र की हत्या करने में विश्वास करते हैं और पुलिस को आगे करती है। हम जनता के लिए लड़ेंगे और जवाब मांगेंगे कि जनता के कितने लोगों की जान गई है, किन उन्होंने अपने अपने लोगों को खोया है। उसले ही आज यूथ कांग्रेस ने जिले में पुतला दहन किया है। किसका पुतला दहन किया आपने? हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का पुतला दहन किया है और आगे ये मांग बढ़ती जाएगी। हम सड़कों पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन। क्या नाम है और पद आपका? मेरा नाम विनय भाभोर है, मैं अनिसा जिला अध्यक्ष। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।